गाइस मम्मी क्या हो गया, पेट में दर्द तेज वाला, 2 दिन तक धीरे धीरे चल रहा था, अब हो रहा है तेज। इंजेक्शन लगवाया तो शारा रानी च, मुझे मालूम था यही होगा, मेरा जाना अगर आपको बीमार होना होगा, है ना? जाओ आ रहा नीचे, पापा जाएंगे, कोई तुषार ना जा, दोनों जाएंगे, तुषार आ जा। हे भगवान कितनी तेज बारिश कर रखी है, ओ माय गॉड, ठंडा मजे हो गए पौधा के। तुषार सॉन्ग ले, पूरी रात सो, कभी भी तक सोने लग रहा है तू तो। नींद आई तो आदमी सोएगा नहीं, उठा था ना अभी बीच में 8 बजे उठ गया था, हो नहाना भी है और मैं तेरी तरह आऊंगी। आता रोज रोज नहीं नहाता, दो दो दिन हो जाए ना सड़े और ना नहाए, रोज नहाता हूँ रोज, तू है वो दो दो दिन ना नहाने वाली, मेरी शक्ल तो लग गया मैं 2 दिन ना नहाता। हाँ वैसे पूछो वैसे, इतनी भूली तो छाती पे दी, मेरे से पूछो जो कर पता था कितने दिन हो गए, चिड़ा मत कर अपनी बारी में, कुछ कच्ची उड़ जाए मेरे, एक मैं मम्मी ने देख लो, मैंगो बाइट्स खा लो भी। हेलो बोलो गाइस को, बताओ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने अपना रिवाज पूरा किया कि दीक्षु जाने वाली और मैं बीमार ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपना बेड बुक कर रखा हॉस्पिटल की तरह वो वाला। मुझे शट अप शट अप कर देता बेड पिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब, होप सब अच्छे होंगे। बस मैं अभी नहाई हूँ, मैंने दिन की शुरुआत की आज नहाने से, और फिर मैं पूजा करूँगी क्योंकि पापा करते थे पूजा, तो पापा गए हैं टूर पे एक, तो मैं उठी हूँ क्योंकि रात को भी नींद ऐसी नहीं आती, सुबह भी जल्दी आँख खुल जाती है, तो मैंने सोचा मैं ही नहा के पूजा कर लेती हूँ तब तक, और मैं नहा चुकी हूँ, बस मैं पूजा करने वाली हूँ, दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, आज न्यू ड्रेस पहनी है वाइट और ऑरेंज के साथ, कैसे सुंदर सुंदर लग रहे हैं देखो। ये इनके पीने का पानी, यहाँ मैंने जोत जगा दी है, ये हमारे सारे भगवान और ये छोटा सा मंदिर। तो कैसा लगा हमारा मंदिर, हमारे लड्डू गोपाल जी नजर ना लग जाए, ओए होए होए, है ना लड्डू चुटी पाई, इनके बिना तो मन भी नहीं लगता, है ना लड्डू। तो सब जय जय कर लो। तो गाइस मैंने नहा के पूजा वूजा कर ली है, लेकिन मैं नहाने के बाद स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया, तो मैं अपना स्किन का रूटीन दिखा देती हूँ। तो रखूँ कहाँ कैमरा, सेटिंग है ना और ही कहीं, कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, इधर रखूँ, देख के जगह ढूंढ लेती हूँ एक बार। तो गाइज मैंने ये कल ही मंगाया था अपने लिए सीरम नायका से, स्किन पोशन रेडिएंट ब्यूटी फेस ऑयल, तो मैं आज इसको अभी आपके सामने यूज़ कर रही थी, ये कैसा है स्मेल, तो ठीक है, 1 2 3 और इसको पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, देखो कैसी ब्यूटी आती है, खुशबू तो ठीक है। डन हो गया, देखो कैसा लगे, कैसी चमक आएगी फेस पे, आप लोग भी बता देना। स्किन पोशन देखो लाइट नहीं चमका, थोड़ा थोड़ा सा तो लगा चमका। और नेक्स्ट चीज है मेरी, मैंने ये बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मैं लॉरियल की एज 20+ वाली क्रीम, डे क्रीम है, तो इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ, इतनी बहुत है, ये थोड़ी सी बहुत होती है, मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया इसको यूज़ करते हुए और अभी तक ख़त्म नहीं। ये शुक्र है कि भाई प्रेगनेंसी में मेरा फेस वेस ख़राब नहीं हुआ, जल वाई नहीं आई, टच वुड, तो अभी देखते हैं। ये देखो लग गया है मेरा स्किन का काम, ग्लो ग्लो हो गया, ग्लो ग्लो देखो, ठीक है। उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी,
घर पे इतना ही रेडी होता है। खत्म हो रहा है ये तो, दूसरे वाला निकाल के लाना था। मैं वैसे रिकॉर्ड का यूज करती हूँ, काजल बिल्कुल स्मज प्रूफ है। और ये लिपस्टिक है कलर बार की, लाइट ब्राउन सी घर में चल जाएगी। और घर के लिए रेडी, इतना सा ब्लॉग बनाने के लिए ठीक है, बस घर में ज़्यादा मेकअप नहीं। ठीक है, तो ये सिरम क्रीम और काजल नहीं लगाया मैंने क्योंकि काजल ख़त्म हो गया, नया मंगाना पड़ेगा। पहले पता होता तो इस सामान के साथ ही मंगा लेती। ठीक है, तो ये था मेरा रूटीन थोड़ा सा, कि जो भाई मैं सुंदर सुंदर सी लगूँ, फ्रेश फ्रेश मुझे अच्छी लगी सिरम जो मैंने यूज़ की है। बाकी 10-15 दिन यूज़ करके जो रिज़ल्ट आएगा वो बताऊँगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सारे मेरे ही खुद के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कभी आप सोचो कि पेड प्रमोशन है इसीलिए दिखाया, जी नहीं, ये मैंने खुद मंगाए हैं। तो मेरा पूजा हो गई है, स्किन रूटीन हो गया, मैं बना रही हूँ खाना। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, जो अभी बनाने जा रही हूँ, बस तैयारी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर रही हूँ कढ़ी। मैंने दही में अब डालूँगी मैं बेसन, मतलब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कितना डालना है। मैं डालूँगी 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये थोड़ा सा और 2.5 चम्मच, बहुत रहेगा इतना तो। ठीक है, अब इसको कर देती हूँ बंद। अब जो ये है विस्क करने का, इससे विस्क कर देता ताकि लंप्स ना पड़े कढ़ी में। ठीक है, और फिर इसमें डालूँगी मसाले, देखो फेट भी आना इसको अच्छे से, आपको लंप्स नहीं दिखेंगे इसमें, वरना फिर कढ़ी अच्छी नहीं बनती, गांठे गांठे रह जाती है फिर उसमें। एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है इसलिए ये घूम रहा है साथ साथ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले, मसाले दिखाती हूँ कौन कौन से। ये है हल्दी, हल्दी कम ज़्यादा मतलब कम ही डालो, ज़्यादा मतलब वैसे कम पड़े तो बाद में भी डाल सकते हैं। ये है नमक स्वाद अनुसार, कम ही लगता है, मैं इसके साथ बनाऊंगी राई। अब ठीक है, मैं साथ में डाल दी हूँ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर तो अच्छा लगता है, कोई तो इसको मीठा करके भी खाते हैं धनिया पाउडर, वैसे वाला धनिया डाल के मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक, फिर इसके अंदर है मिर्च, रेड वाली मिर्ची वाली, जैसे कुटी वाली हो गई या बिना कलर वाली हो गई, देगी मिर्च होती है कलर वाली तो वो मत डालना, लाल लाल हो जाएगी फिर कड़ी। फिर इसमें डालना है थोड़ा किचन किंग, 1/2 स्पून बहुत है, काली काली हो जाएगी फिर। और इसको फिर अच्छे से विस्क कर लेती हूँ मैं फिर से। सो रहे हैं वो दोनों, मुझे भी नींद आ रही है, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद खाना भी बन जाएगा, तब तक फिर सोऊंगी मैं खाना वाना खा के, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तो एडिट भी करना है इसको बना के, जो 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो यहाँ ये कढ़ी का तैयार है बैटर। अब मैं लेती हूँ 2 प्याज और लहसुन, छीलूंगी पहले इसे। यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है कढ़ी, ऑयल हो चुका है गरम, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा हो गया है ब्राउन, अब मैं इसके अंदर मैंने ये लहसुन कूटा था बारीक बारीक डाल दिया। और 2 बंदे चाहिए होते हैं वीडियो बनाने के लिए, एक और बंदा तो परेशान हो जाता है, वीडियो शूट करो कि खाना बनाए। तो ये लहसुन भून जाएगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद ये प्याज मैंने काट के रखे हैं, उसके साथ कसूरी मेथी
और ये बस ऑयल ज़्यादा गर्म था तो अभी भून गई हूँ, ब्राउन ब्राउन हो गए ना। उसके बाद डालनी है ये प्याज, लंबे लंबे काट के डालने हैं। ये ब्राउन हो जाएंगे। यहाँ प्याज और लहसुन पक चुके हैं गोल्डन ब्राउन। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कढ़ी का बैटर। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे पानी भी डाल दिया मैंने। अब ये पूरी तैयार नहीं है, एक घंटा लगेगा अभी पकने में इसको, तो इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ बनने के लिए। तब तक राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस मेरा खाना रेडी हो चुका है, मेरे को अभी भूख लगी तो मैं खा लूँगी। मम्मी और तुषार सो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। और व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। जिस जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।